हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायो स्टडीज़ माई सेल्फ कोमल योर बायोलॉजी ट्यूटर सो व टुडेज़ टॉपिक इज़ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सो लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडर गो सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में टाइम टू टाइम चेंजेस क्यों आए सो आंसर इज क्लासिफिकेशन सिस्टम आर प्रोसीजर सबसे पहले बताया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या इट्स अ प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलारिटीज एंड डिसिमिलारिटीज ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स ठीक है तो ये थी डेफिनेशन देखिए कैसे सिस्टम में चेंजेस आए इनिशियली एक आर्टिफिशियल सिस्टम था क्लासिफिकेशन में देन केम नेचुरल सिस्टम देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम दैट इन्वॉल्व इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी एविडेंस एंड नाउ द फिनेटिक सिस्टम तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम में वेरिएशन आए ठीक है क्योंकि ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आएंगे म्यूटेशंस होंगी तो दैट्स वाई क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में भी ऑब्वियसली चेंजेस आए कैसे आए आर्टिफिशियल से नेचुरल फिर फाइलोजेनेटिक और फिर फिनेटिक सिस्टम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टू इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ फर्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज आर्ची बैक्टीरिया देखिए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज़ का क्या यूज़ होता है सबसे पहले इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है राइजोबियम बैक्टीरिया नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मेन्यू खाद बनाने में और गोबर गैस के प्रोडक्शन में इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है फॉर प्रोड्यूसिंग करड चीज़ क्यरिंग ऑफ़ टी लीव्स एंड रेटिंग ऑफ फाइबर्स इन सब प्रोसेस में इंडस्ट्री में भी इसका यूज है और एग्रीकल्चर में भी हाइड्रोटॉफिक बैक्टीरिया का नेक्स्ट इज आरची बैक्टीरिया दैट आर द एनसी एंट वन इनका क्या यूज़ है दीज आर यूज इन गोबर गैस प्रोडक्शन एंड बायो लीचिंग ऑफ पुअर माइन्स लीचिंग का प्रोसेस करते हैं ये मेटल uh, एक्सट्रेक्शन में ऑफ पुअर माइन्स थर्ड क्वेश्चन इज वट इज द नेचर ऑफ सेल वोल इन डाई आइटम्स कि डाई आइटम्स में सेल वोल का क्या नेचर होता है सो एंसर इज द सेल वोल कंजिस्ट ऑफ टू ओवरलैपिंग हाफ्स लाइक अ सोप केस सॉप so, केस क्या होता है जिसे हम बोलते हैं साबुनदानी ठीक है उसके दो हाफ्स होते हैं एक अपर हाफ होता है एक लोअर हाफ होता है तो इसकी सेल वॉल भी इसी तरीके से होती है और जो इसका अपर हाफ होता है उसको बोलते हैं एपीथिका एंड लोअर हाफ को बोलते हैं हाइपोथिका द सेल वॉल इज ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है वो टूटती नहीं है दैट्स वाई इट विल फॉर्म डाइटमिशियस अर्थ ऑल राइट सो इट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डाइटम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट What do the terms algal bloom and red tide signify? Algal bloom refers to excess growth of algae, especially blue green algae, in polluted. वाटर्स पॉल्यूटेड वाटर्स में क्या होता है ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कर जाती है जब एक्सेसिवली वो ग्रो कर जाती है उसे हम बोलते हैं एलगल ब्लूम नेक्स्ट इज रेड टाइड रेड टाइड रेफर्स टू रेड कलर इम्पार्टेड टू द सी वाटर बाय द रेपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डाइनो ये एक प्रोटेस्टा है किंगडम प्रोटेस्टा में हमने डिस्कस किया था डायनो के बारे में अगर उसका मल्टीप्लीकेशन रैपिड वे में होगा सी वाटर में तो इसे हम कहेंगे रेड टाइड इसका एग्जाम्पल है गॉनविलेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe briefly the four major group of protozoa four major group of protozoa mein kya aayega first is amoeboid protozoa iska example hai ent amoeba kyunki ye scientific name hai to iske niche kya aayega underline agar aap isko handwritten karenge to you sure ki aap uske जो नीचे क्या करेंगे underline करेंगे according to the rule of binomial nomenclature next is flagellated protozoa trypanosoma ciliated protozoa पारोमिशियम एंड स्पोरोजोआ प्लाज्मोडियम दीज आर द फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पैलिकल उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पैलिकल एंड विच मेक देअर बॉडी फ्लैक्सीबल इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से जो उनकी बॉडी होती है जैसे कि यूगलिना उसकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है इस तरीके से नेक्स्ट इज दे आर मिक्सोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन एज इन यूगलीना मिक्सोट्रॉपिक मीन्स दे शो both type of mode of nutrition autotrophic has as well as heterotrophic depending upon the environmental conditions okay next is what do the terms phycobiont and mycobiont signify phycobiont is the algal partner whereas mycobiont refers to the fungal partner of lichen thallus because phycology is the study of algae and माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस फाइकोबायोट मेक फूड मीन्स algae मेक फूड while माइकोबायोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन टू lichens ठीक है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लाइकन्स बिटवीन एल्गी एंड फंजाय। नेक्स्ट इज गिव अ कंपेरिटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेज ऑफ किंगडम फंगी अंडर द फॉलोइंग फर्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने क्लासेस को डिफाइन करना है किंगडम फंगी की क्वेश्चन को आप पहले समझें कि, कि किसकी क्लासेस को डिफाइन करना है किंगडम फंगी की क्लासेस को डिफाइन करना है फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाइकोमाइसिटीज सबसे पहले तो क्लासेस देखिए फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिटीरोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइट और ऑब्लीगेट पैरासाइट एस्कोमाइसिटीज में भी सैप्रोफाइट पैरासाइट डी एंड कोप्रोफिलस ठीक है डंग पर जो ग्रो करते हैं बेसिडोमाइसिटीज इज सैप्रोफाइट्स और पारासाइट्स ड्यूटरोमाइसिटीज इज सैप्रोफाइट्स पारासाइट्स और डीकम्पोजर्स होते ये फंगी क्या होती है हाइट्रोट्रोफिक होती है दूसरे पर डिपेंड रहती है और मोस्टली दे आर सेप्रोफिटिक इन नेचर आप सब में सेप्रोफिटिक तो लिखेंगे बिकॉज ये सब में कॉमन है और कुछ स्पेशल जैसे फर्स्ट में ऑब्लीगेट पैरासाइट है नेक्स्ट में डिकम्पोजर्स है फिर पैरासाइट्स हैं फिर पैरासाइट्स और डीकम्पोजर्स हैं सो दीज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रीशन नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर्स और नॉन मोटाइल एप्लानोल ए प्लानो और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट गैमिटेंजिया बनता है इनमें उनके कॉन्टेक्ट की वजह से रिप्रोडक्शन होता है और गैमिटेंजियल कॉपुलेशन नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय कोनीडिया एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्को प्रोड्यूज इनसाइड द एस्की ठीक है Next is Bacidomycetes. Asexual reproduction is absent in it and sexual reproduction by plasmogamy that produce basidiospore externally exogenous on basidia. Okay. Next is Deteromycetes reproduced asexually by Conidii. कोनीडिया बनते हैं इसमें कोनीडियो फोर पे एक स्टॉक होती है कोनीडियो फोर जिसपे कोनीडियाज़ की फॉर्मेशन होती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन केस ऑफ डिटीरियोमाइसिटीज तो ये क्या था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन के बेसिस पर एंड मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर नाइन्थ क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेज विद रिस्पेक्ट टू देअर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल एंड ऑल्सो नेम फोर कॉमन वायरल डिजीज सलेट्स डाट देखिए वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल दाट कुड भी इधर आर एन ए और डी एन ए ये लेक्चर में पूरा मैंने बताया था वायरस के बारे में तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है या तो आर एन ए होगा या फिर डी एन ए एक टाइम पर दोनों नहीं होंगे और वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन देखिए ये हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जो वायरस होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीनिक इन नेचर होता है यानी कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है और इसका जो आउटर कवरिंग होती है वो प्रोटीन कोट प्रोटीन से मिलकर बना होता है इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंड आर एन एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव इधर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आर एन ए और डबल स्टैंड डी एन ए ठीक है ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था देखिए अब इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट पॉइंट वाइज आप अगर आंसर को लिखेंगे तो ईजिली आप इस चीज को समझ पाएंगे और आप आंसर को अपने डिफाइन कर पाएंगे अपने वे में नेक्स्ट इज वायरल डिसीजेस इसने बोला है कि फोर वायरल डिजीज हमें बतानी है फर्स्ट इज डेंगू सार्स सेवर एकटरी सिंड्रोम नेक्स्ट इज एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम नेक्स्ट इज पोटेटो सो दीज फोर आर द वायरल डिज सो हर इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर ncrt questions of biological classification completed any doubt put in comment section thanks for watching